तो शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे श्रद्धालुओं का जो पहला जत्था है वो जम्मू के बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ, जिसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू बेस कैंप पहुंचे और पूरे विधि विधान से उन्होंने इस दौरान पूजा अर्चना की। दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थयात्री काफी ज्यादा खुश और उत्साहित नजर आए। हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई किस तरीके से वहां पर बाबा का जयघोष साफ तौर पर नजर आ रहा है। जम्मू से रवाना हुआ जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच थोड़ी देर पहले उधमपुर पहुंचा। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे का उधमपुर जिले के टीकरी में काली माता मंदिर में जिला प्रशासन ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने भी अपना दिल खोलकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियां भी साथ में चल रही हैं। तीर्थयात्रियों को लेकर बस उधमपुर से आगे के लिए रवाना हो चुकी है। तो दो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से पहला जत्था जो है अमरनाथ यात्रा के लिए वो यहां पर रवाना हो गया है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई पहले जत्थे। अमरनाथ यात्रा ऑब्वियसली बात है कि इस बार जो लोग आने हैं वो पिछले साल से ज़्यादा ही होंगे, जो एक्सपेक्टेड है। पहला, दूसरा चीज़ क्या है कि जो यूटिलिटीज़ हैं उनमें हमारी जो तैयारी है पहले से बेहतर हुई है, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बेहतर इंतजाम किए गए हैं कि उधमपुर ज़िले में कोई ऐसी दिक्कत ना आए। और बात है लॉजमेंट सेंटर्स वगैरह की, अगर तो अगर कुछ इन केस ऑफ एक्सीजेंसी कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ती है तो हमारे पास बेहतर सुविधाएँ हैं ताकि लोगों को अकोमोडेट कर सकें।